नवागत एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय पहुंचते ही एसपी रेलवे ने कार्यालय सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 1992 के बैच पीसीएस और 2020 में आईपीएस पद पर पदोन्नति पाने वाले ब्रिजेश कुमार सिंह मूल रूप से जौनपुर के निवासी है। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई है। एसपी रेलवे ब्रिजेश सिंह इससे पहले ललितपुर में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी रेलवे ने कहा कि यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही स्टेशन परिसर को अपराध मुक्त बनाना ही मुख्य प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने कहा, इधर है, इधर गढ़वाल कुछ भी गड़बड़ थोड़ा थोड़ा है, तो जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करा। ठीक है, इधर क्या है यहाँ से ठीक है, आपका समस्या तो नहीं आ रही है? चिट्ठी उठी दे दी जाए, नहीं तो सब रिकॉर्ड वगैरह अंदर तो नहीं है पानी के लिए। वहाँ चमकता है सर, हाँ वहाँ चमकता है सर। इसके लिए कभी चिट्ठी गई कोई? हाँ सर, पत्राचार हुआ है, लेकिन ये है लेकिन सर ये असल बात में नजूर की भूमि है और बनवाने वाले दूसरे की। चलिए ये गंदगी का प्रॉब्लम ये पाइप लगा रहे हैं, पट्टियाँ डाल रहे हैं। देखिए, इसके पहले एडिशनल एसपी के रूप में मैं नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, मथुरा में रहा हूँ। अभी ललितपुर में पोस्टेड था, वहीं से प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के उपरांत ये मेरी प्रथम नियुक्ति है जिसमें मैं यहाँ एसपी रेलवे पद पे ज्वाइन किया हूँ। सर क्या प्राथमिकता रहेगी मुख्य रूप से रेलवे ज्वाइन? देखिए, मुख्य रूप से सभी यात्री सुरक्षित रूप से यात्रा करें, उसके लिए जो चोरी की घटनाएं हैं, चाहे मोबाइल चोरी हो, सामान चोरी हो, जहर पुरानी हो, इन सबको अधिक से अधिक इस ऐसे अपराध ना हो, अगर हो तो तत्काल उनका खुलासा किया जाए, यही मुख्य प्राथमिकता रहेगी। और प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी दशा में घटना घटित ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो शीघ्र उसका अनावरण किया जाए। सर 100 नंबर से भी जोड़ दिया गया जेआरपी को, तो ऐसे यात्री जो यात्रा करते हैं उनके उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई घटना हो या किसी प्रकार का ट्रेन की यात्रा के दरमियान कोई भी यात्रा में व्यवधान आए, उस संबंध में तत्काल सूचित करें, ताकि उसका सलूशन तत्काल निकाला जाए और तुरंत टीम मौके पहुंच के कार्रवाई कर लें।